हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि थंबनेल में देखा आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन ये जो बॉक्स खाली है यहाँ पे कोई ना कोई वेरिएबल ले लेते हैं। यहाँ पे मैं लेता हूँ ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन का, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा ऐसे ही करना है। यहाँ पर आपके पास चार इक्वेशंस बन जाएगी, ए प्लस बी इक्वल टू एट एंड सी माइनस डी इक्वल टू सिक्स, सी माइनस डी इक्वल टू सिक्स और ए प्लस सी इक्वल टू थर्टीन, ए प्लस सी इक्वल टू थर्टीन एंड बी प्लस डी इक्वल टू, बी प्लस डी इक्वल टू एट। तो यहाँ पे इस फर्स्ट इक्वेशन का और ये फोर्थ वाली इक्वेशन है, इन दोनों का सम कितना हो रहा है, एट हो रहा है। तो इन दोनों को इक्वल रख देंगे अपन, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस डी। तो यहाँ से बी बी कैंसिल हो जाएगा, तो एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, ए और डी की वैल्यू इक्वल आने वाली है। और ए प्लस सी इक्वल टू सिक्स है अपने पास, ए प्लस सी इक्वल टू थर्टीन है अपने पास, और सी माइनस डी की वैल्यू कितनी है, सिक्स है। ये थर्टीन है और सी माइनस डी कितना है, सिक्स है। तो इनको अपन साइन चेंज करके कैंसिल आउट करेंगे, तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, तो सी सी से कैंसिल हो जाएगा और ए प्लस डी इक्वल टू थर्टीन माइनस सिक्स आ जाएगा, ये सेवन। तो एक कंडीशन आपको पता चली कि ए और डी इक्वल है और ए प्लस डी की वैल्यू कितनी है, सेवन है। तो ए और डी तो इक्वल है, इट मीन्स टू ए इक्वल टू कितना होगा आपके पास, सेवन। तो ए की वैल्यू आएगी 3.5 और सेम डी की वैल्यू भी क्या आने वाली है, 3.5, 3.5। तो अभी इन दोनों इक्वेशन में वैल्यू रख के अपन बी की और सी की भी वैल्यू पता कर सकते हैं। ए प्लस बी इक्वल टू एट, ए की वैल्यू क्या है 3.5, बी इक्वल टू एट, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4.5 एंड ए प्लस सी इक्वल टू थर्टीन, तो ए की वैल्यू 3.5, तो सी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 9.5। और ये वैल्यूज़ अगर अपन इसमें वापस पुट करेंगे तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।